नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूरा विपक्ष एक बात की मांग कर रहा है कि पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मोदी सरकार जांच करवाए और अमित शाह इस्तीफा दे दे, क्योंकि अमित शाह के जिम्मे आता है सब कुछ। लेकिन मोदी सरकार इसकी जांच नहीं करवा रही। मोदी सरकार और तमाम गोदी मीडिया क्या कह रही है कि राहुल गांधी की जासूसी हुई है, इसी बात से कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस इस बात से चाह रही है कि अमित शाह इस्तीफा दे दे। दरअसल बात राहुल गांधी की नहीं है, बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात यहां पर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों की है। देश की सुरक्षा में लगे हुए वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारियों के फोन टेप किए जा रहे थे और किस तरह से देश के साथ में देशद्रोह का, इसको वाकई अगर देशद्रोह कहा जाए तो शायद गलत नहीं, देश के सामने देश की सुरक्षा में लगे अधिकारियों के फोन टेप करके एक तरह का देशद्रोह करने का काम किया जा रहा था। अब अगर मोदी सरकार ये काम नहीं कर रही थी तो कौन कर रहा था ये काम? इस बात की तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने में किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन किसी को आपत्ति है और वो आपत्ति क्यों है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें कई सारे सेना के अधिकारी हैं, रो के अधिकारी हैं, वो अधिकारी जिनके जिम्मे पर देश की सुरक्षा का सारा भार उनके ऊपर है, उनके फोन टेप किए जा रहे थे। ये खबर आपको बताते हैं अगले 8 से 10 मिनट तक। इत्मीनान से इस खबर को देखिए आप, किस तरह से पूरा खुलासा है। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। ईडी अधिकारी, 2 कर्नल, पूर्व बीएसएफ के प्रमुख, केजरीवाल के सहयोगी भी पेगासस की सूची में है। तो 2 ईडी के अधिकारी हैं, 2 कर्नल हैं और बीएसएफ के प्रमुख और केजरीवाल के सहयोगी, वो भी केजरीवाल के जो सहयोगी हैं, वो कोई नेता की बात नहीं हो रही है, वो भी अधिकारी थे। इनके सबके फोन टेप किए जा रहे थे। अब आप देख लीजिए किस किस तरह से किस किस का फोन टेप किया जा रहा है। सबसे पहले बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक के शर्मा, वरिष्ठ परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी वीके जैन, एक सेवानिवृत्त अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रो के अधिकारी एक कनिष्ठ अधिकारी, उनका फोन नंबर है। और सोमवार को ये द वायर की रिपोर्ट के अनुसार पेगासस सर्विलांस के जरिए निगरानी के संभावित लक्ष्य के रूप में पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के सेना के 2 अधिकारियों को भी शामिल किया गया। पीएमओ के अधिकारी शामिल है, रो के अधिकारी शामिल है। देश की देखिए सबसे बड़ी जो सुरक्षा एजेंसी है, रो के अधिकारी इसमें शामिल है, बीएसएफ के प्रमुख इसमें शामिल है। किस तरह सब कुछ जो है चल रहा है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले ईडी से शुरुआत करते हैं। ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह इस वक्त में लखनऊ में तैनात है, यानी वो रिटायर नहीं हुए। एक अधिकारी जो अभी भी ऑन ड्यूटी है उसका फोन टेप करवाया गया। और क्यों करवाया गया और कब करवाया गया, टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए। ईडी के अधिकारी जिन्होंने ये 2017 से 2019 के बीच में इनका फोन टेप करवाया गया, इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका के कुछ मामलों की जांच की है। आप ये बताइए कि जिसके हाथ में 2G की फाइल थी, जिसके हाथ में पी चिदंबरम की फाइल थी, उसका फोन टेप लगा हुआ था। अब ये बताइए कि जो अधिकारी 2G की जांच कर रहा है, उसमें जो सरकार चाहेगी, जो लोग चाहेंगे, वही उसमें लिखा जाएगा ना। मैं ईडी की जांच कर रहा हूं, मैं ईडी का अधिकारी हूं और मैं 2G की जांच कर रहा हूं, और 2G की जांच में कुछ ये आना है, कुछ वो आना है, तो फिर मेरा अगर फोन टेप किया जा रहा है, मेरी कोई दुखती हुई रग, कोई एक ऐसी नब्ज जो है वो किसी के हाथ में है, तो फिर वो जो चाहेगा मैं वो लिखूंगा, ये होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में चर्चा में तब आए थे जब तत्कालीन सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और तत्कालीन विशेष निदेशक को हटाया गया था। तो ये सब कुछ जो है वो हो रहा था, ये ईडी के अधिकारी की फोन टेप किया जा रहा था। अब इसके बाद में दूसरा नंबर पे आप बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डेटाबेस में, ये आप देखिए कि पूर्व अधिकारी वीके जैन इसमें शामिल है। वीके जैन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। अरविंद केजरीवाल किससे सलाह ले रहे हैं, क्या सलाह ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस बात की सबकी पूरी खबर जो है कोई दूर बैठा सुन रहा था। कौन सुन रहा था, किसको मतलब था, वो आप समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में इनका नंबर जोड़ा जाता है जब दिल्ली सरकार
शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर के काम कर रही थी। जब दिल्ली सरकार शिक्षा और बुनियादी ढांचे को कैसे खड़ा किया जाए उसकी पूरी रणनीति तैयार कर रही थी, उस रणनीति को कोई दूर बैठ करके सुन रहा था, ये देख लीजिए। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जैन का भी नंबर जो है वो इसमें जोड़ने की बात कही गई है। अब इसके बाद में एक और चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। पूर्व सेना के अधिकारी कर्नल मुकुल देव सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। ये इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान थे उनके लिए, उनकी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में इनका नंबर जो है जोड़ा जाता है। अब ये मुकुल देव ने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के कल्याण के, उनके भलाई के जितने भी काम है उसको काम करने के लिए सरकार मुझे हर संभव तरीके से पीड़ित कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन वर्तमान सरकार की स्थिति मुझे 2018 में पता चला जब मैं सीधे तौर पर धमकी देने के बाद में पंजाब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया था, तो मैं निगरानी में था। एक अधिकारी, एक सेना का कर्नल जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका नंबर टेप हो रहा था कि किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया जाए और जो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई को खत्म करवा दिया जाए। ये सब कुछ आप देख लीजिए। एक और आप बड़ा खुलासा देखिए, सेना के एक और अन्य पूर्व अधिकारी कर्नल अमित कुमार ये भी अब रिटायर हो गए हैं। इन्होंने 356, अब देखिए जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ या सरकार के सिस्टम के खिलाफ जो कोर्ट में जा रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, केवल उसका फोन नंबर टेप हो रहा था। और ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये इस बात से सिद्ध हो रही है। ये देश के रो के, ईडी के कर्नल अधिकारी, बीएसएफ के प्रमुख, उनके ना फोन टेप है। अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये अमित कुमार 356 सेना के कर्मियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की थी। 356 कर्मियों की तरफ से, 356 जवानों की तरफ से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। और याचिका डालने के बाद में ये इन्होंने सशस्त्र सीमा बल अधिनियम और अस्पा को कमजोर किया था, ये उस डाटाबेस में थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि द वायर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसएफ के कमांडेंट जगदीश मथानी सेवानिवृत्त अधिकारी रो के अधिकारी, अब आप देख लीजिए रो के अधिकारी भी इसमें शामिल है, रो के अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी और पीएमओ के एक कनिष्ठ मतलब सीनियर अधिकारी, वो भी, उनका नंबर भी डाटाबेस में था। तो आप अब बताइए कि कौन जो है, ये पूरा जो कांड हो रहा था, जो पेगासस जासूसी कांड हो रहा था, इससे कौन बाहर था? इसमें रो के अधिकारी हैं, इसमें नीति आयोग के अधिकारी हैं, इसमें ईडी के अधिकारी हैं, इसमें बीएसएफ के पूर्व निदेशक, महानिदेशक, उनका नाम शामिल है। आप ये बताइए कि ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ सुना जा रहा था कि कहां पर कौन सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कौन किसके आवाज उठा रहा है, वो सब कुछ सरकार में बैठे लोग इन पर आरोप लग रहे हैं। अब वो सरकार इस आरोप से बच रही है। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच करवाइए, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने अभी तक इस बात की भी जिम्मेदारी नहीं ली है कि हाँ पेगासस उसने खरीदा या नहीं खरीदा, ये एक लाइन का बयान भी नहीं आया। जासूसी पर कब बात होगी, नहीं होगी, वो तो छोड़ दीजिए आप। और गोदी मीडिया क्या कह रही है, गोदी मीडिया ये कह रही है कि साहब राहुल गांधी की जासूसी हुई है, केवल कांग्रेस ही उसी से बौखलाए हुए हैं, इसी से विपक्ष के नेताओं की जासूसी हुई है, केवल विपक्ष के नेता उसी से बौखलाए हुए हैं, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए कि आम जनता, आप और हम कहां सुरक्षित हैं अगर हमारे रो के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, ईडी के अधिकारी, अगर उनके फोन टेप किए जा रहे हैं? क्योंकि देश की सेनाओं के बलबूते पर ही तो देश की जनता चैन सुकून की नींद सोती है। अगर उनके फोन टेप हो रहे हैं तो आप और हम कहां पर सुरक्षित हैं? तो फिर ये बात क्या राहुल गांधी की हुई, क्या विपक्ष के नेताओं की हुई, या कुछ पत्रकारों की हुई, या आम जनता की हुई, इस बात को आप तय कीजिए। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, इस जानकारी को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस जानकारी को देश के कोने कोने तक कम से कम पहुंचा दीजिए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि केवल ये विपक्ष की नेताओं की बात है या देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज यूनिट सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।